मेकअप तो गाइस बहुत देर से मैंने आप लोगों को ना ही वेलकम किया है ना ही मैंने आप लोगों से बात की है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत ही ऐसी थी कि वहाँ पर मतलब मॉर्निंग या फिर वेलकम कर ही नहीं पाई, क्योंकि बारात से मैंने आप लोगों को स्वागत किया डांस के थ्रू। और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यानी कि बारात आ चुकी है और अंदर की साइड में बैठे हुए हैं। चेहरे की कंडीशन तो आप देख ही सकते हो, वहाँ पे थोड़ा सा डल था। और ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जो मतलब टेंट वगैरह जहाँ पर लगता है वहाँ पर मतलब जयमाला हुआ है कुछ इस तरीके से। और ये है दुल्हन की एंट्री। अभी हम लोग बैठे थे अंदर यानी दुल्हन के घर में, और इस समय हम बाहर आ गए जहाँ टेंट वगैरह लगता है वहाँ, और दुल्हन की एंट्री हो रही है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो इनका लहंगा है, इनका पर्सनल अपना लहंगा इन्होंने खुद लिया था। और ज्वेलरी का मुझे नहीं पता कि ज्वेलरी अपनी पर्सनल है या बुकिंग पर है। और जो ब्राइडल मेकअप है वो मेकअप पार्लर से, सॉरी मेकअप कर रही पार्लर से आकर उन्होंने किया। मेकअप काफ़ी अच्छा है, सिंपल सोवर है, ज़्यादा वाइटनिंग नहीं की है, क्योंकि ब्राइडल में क्या होता है वाइटनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फोकस पड़ता है। और जो साइड वगैरह वाले लोग होते हैं उनको तो चल जाता है, बट ब्राइडल के लिए थोड़ा सा गोल्डी मेकअप अच्छा लगता है, ताकि फेस पे ग्लो रहे और अच्छा लगे। तो मेकअप अच्छा किया उन्होंने, ठीक किया, मुझे पसंद आया। हेयर स्टाइल भी अच्छी बनाई है, तो जो इस समय ट्रेंड में है कुछ इस टाइप की, हल्का उन्होंने टचअप देने की कोशिश की है बट अच्छा किया है। तो कुछ इस तरीके का मेकअप हुआ है इनका। अरे यार, मैं घूम फिर के अपने वाले मेकअप का कुछ इस तरीके का पहुँच जाती हूँ। तो जो आजकल ट्रेंड में ऊपर चुन्नी लगाई जाती है, तो यहाँ पर वो इसी तरीके से इनकी एंट्री हुई है। और इसके बाद जो दूल्हा हाथ पकड़ के दुल्हन को ऊपर चढ़ाता है, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सारी चीज़ें देखिए, एंजॉय कीजिए। और आप लोगों को दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी कैसी लगी कमेंट करके वो भी बताइएगा। तो चलिए, जहाँ मुझे लगेगा वॉइस ओवर करना वहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। अब आप लोग जयमाल देखिए, जयमाल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जयमाल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जयमाल के समय कोई डिस्टर्ब नहीं जाता है, कि देखना चाहता है कि जयमाल किस तरीके से हुआ। अगर मैं वॉइस ओवर करती रहूँगी तो आपका ध्यान मेरे पे ही चला जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो आप जयमाल देखिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। और बस यहाँ पे जो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, ये इनकी फ्रेंड है, वो आई हुई हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लहंगा पहन के चलने में, उठने में, बैठने में, तो वो सभी के साथ होता है। जो दुल्हन बन चुका है उनको पता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हम भारी फील करते हैं कि बता नहीं सकते हैं। तो चलिए, बाद में आप लोगों को मैं बताती हूँ बातें करती हूँ, पहले आप जयमाला देखिए, ठीक है। देखिए, अब जयमाल होने जा रहा है। दुल्हन ने जयमाल को पकड़ लिया है, यानी जयमाला को। बस इसके बाद जयमाला होगा, और सिंपल तरीके से हुआ, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि थोड़ा सा खींचा खाची में इंसान को, जो दुल्हन होती है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, चुन्नी वगैरह इधर उधर हो जाती है, ज्वेलरी इधर उधर हो जाती है, तो वो भी मोमेंट अच्छा होता है अपनी जगह। जिनको इस तरीके से इंजॉय करके करना होता है, बट जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए इस तरीके से अच्छा लगता है। और यहाँ पे दुल्हन ने जयमाला दूल्हे राजा को डाल दिया है, यानी देवर जी को, और इसके बाद डाल रहे दूल्हे राजा। हाँ, तो बस कुछ इस तरीके से ये देखिए जयमाल हो चुका है। और यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक भी होगी, हम लोग भी जाएंगे स्टेज पर, खाना पीना भी होगा। तो इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा कल, यानी कि। और इन्जॉय कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। कल की वीडियो का वेट करिएगा, कल की वीडियो में आप लोगों को हम लोग जाएंगे स्टेज पे आशीर्वाद देने, प्लस खाना वगैरह कई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आप मुझे टिकटॉक और इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो जल्दी से जाइए और इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारे डांस मैं यहाँ पर नहीं डाल सकती यूट्यूब पर, क्योंकि आपको भी पता है कि 30 सेकंड से ज़्यादा हम सॉन्ग नहीं डाल सकते, कॉपीराइट आ जाता है इसी वजह से। तो वहाँ पे मैं पूरा डांस डाली हूँ, तो आप जाइए इंजॉय कीजिए और बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय बाय।